दिस इज द क्लास 6 ऑफ इंग्लिश सीरीज। आई होप आपने इससे पहले 5 क्लासेस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि हर क्लास इंटरकनेक्टेड होती है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो क्लासेस देखिए, उसके बाद ये क्लास देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज खुशबू। एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वर्ब। इस वीडियो में हम वर्ब का एडवांस पार्ट देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ब की क्या टाइप्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो नंबर या फिर पर्सन के साथ लिमिटेड होती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मोहन इज वॉकिंग। अब यहाँ पे क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हमने इज का यूज किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते दे आर वॉकिंग, सो दे प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इस की जगह पे आर यूज करेंगे। सो जैसे ही नंबर या फिर पर्सन चेंज हो रहा है, ये भी उसके साथ उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। सेकेंड टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये नंबर या फिर पर्सन के साथ लिमिटेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब जो प्लेइंग है वो चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ जाए या फिर एक पर्सन आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए या सेकंड पर्सन आ जाए, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। प्लेइंग के साथ प्लेइंग ही रहेगा। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ शी लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग वर्ड चेंज नहीं हुआ। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की फर्दर टाइप्स देखें तो इनकी 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव, द सेकेंड वन इज जिरंड, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। सो वन बाय वन हम देखते हैं इन्फिनिटिव क्या है, जिरंड क्या है, एंड पार्टिसिपल क्या है। इन्फिनिटिव को हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं, और इन्फिनिटिव वर्ब वर्ब और नाउन दोनों की तरह एक्ट करती है, इसलिए हम इसको वर्ब हाइफन नाउन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टडी। अब यहाँ पे जो टू स्टडी है ये इन्फिनिटिव वर्ब है। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, ये भी इन्फिनिटिव है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में जो टू स्टडी है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जो टू स्टडी है ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है और इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वन इज जिरंड। इसमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी वर्ब एंड नाउन दोनों की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव स्टडिंग, आई लव प्लेइंग द फुटबॉल, आई लव स्विमिंग एटसेट्रा। द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करते हैं। पार्टिसिपल फर्दर प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्लासिफाई किए जाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, थिंकिंग ऑल इज वेल, ही वेंट होम। पास्ट पार्टिसिपल की हम बात करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम मिस स्पेंट इज टाइम लॉस्ट। अब यहाँ पे जो स्पेंट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ये इसकी फॉर्म है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग डन विद इट, ही वेंट बैक टू हिज ऑफिस। अब यहाँ पे हमने हैविंग के साथ डू की थर्ड फॉर्म यूज की, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, इट ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट विद इट। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। अब हम अगर ये बोलेंगे आई प्ले, तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। सो आई प्ले के साथ आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब की फॉर्म है। नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट विद इट। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई। अब मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि पक्षी उड़ते हैं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स जो कि वर्ब यूज करते हुए हम यूज करते हैं।
ये रूल्स हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए भी ध्यान में रखेंगे, इनके हेल्प से हम क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। सो द फर्स्ट रूल इज इफ अ वर्ब इज यूज्ड एज नाउन जेरंड फॉर्म इज यूज्ड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब जो स्विम है दैट इज अ वर्ब, लेकिन अब इसको हमने जिरंड फॉर्म में यूज किया क्योंकि इसको हमने यहाँ पे नाउन की तरह यूज करना है, स्विम प्लस ing। सो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में स्विमिंग जो है दिस वर्ब इज यूज एज नाउन। नेक्स्ट रूल इज अ वर्ब आइदर डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन और इट टेक्स अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इन्वाइटेड मी ऑन और फॉर टी। अब ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इन्वाइटेड वर्ड है तो इसके साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इसकी करेक्ट फॉर्म है ही इन्वाइटेड मी टू टी। द नेक्स्ट रूल इज इफ एन इन्फिनिटिव क्वालिफाइज अ नाउन द इन्फिनिटिव टेक्स अ सूटेबल प्रेपोजिशन आफ्टर इट। अब जो इन्फिनिटिव है वो हम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब अगर इन्फिनिटिव नाउन की तरह क्वालिफाई होता है तो इसके साथ सूटेबल प्रेपोजिशन लगती है। फॉर एग्जांपल डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन। अब यहाँ पे हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया सिट वर्ड के लिए। नेक्स्ट रूल इज वर इज यूज फॉर इमेजिनरी पोस्ट। जब भी हमने कुछ इमेजिनरी सेंटेंस लिखना है तब हम वर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ही वर अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम आप ये नहीं बोलोगे कि ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि ये इमेजिनेटिव पोस्ट है, इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे ही के साथ वर का यूज किया। सो जब भी किसी भी सेंटेंस में वर का यूज हो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ तो वो इमेजिनरी पोस्ट को डिनोट करता है। द नेक्स्ट वन इज अ फ्यू वर्ब्स कैन एक्ट एज नाउन इफ एन आर्टिकल इज यूज्ड विद देम। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो नाउन की तरह एक्ट करती हैं अगर हम आर्टिकल का यूज करते हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट फॉर अ राइड। अब यहाँ पे हमने राइड के साथ आर्टिकल यूज किया ए। सो राइड यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। राइड को एज अ वर्ब भी एक एग्जांपल देखते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स। अब यहाँ पे राइड एज अ वर्ब काम कर रहा है तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है क्योंकि इस फर्स्ट वाले में हमने आर्टिकल का यूज किया तो वो वहां पे हमने नाउन की तरह यूज किया है। नेक्स्ट इज इफ डिफरेंट वर्ब्स नीड डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज ऑल द प्रेपोजिशंस। अगर किसी सेंटेंस में डिफरेंट वर्ब्स यूज हो रही हैं और उनको डिफरेंट प्रेपोजिशन चाहिए तो हम सभी प्रेपोजिशन उस सेंटेंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब यहाँ पे जो लैंड वर्ड है उसके साथ हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज करना है और वाटर वर्ड के साथ हमने इन का यूज किया तो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों को डिफरेंट प्रेपोजिशन चाहिए इसलिए हमने दोनों प्रेपोजिशन उस सेंटेंस में यूज की हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑल द प्रेपोजिशंस टेक्स आइदर वर्ब और वर्ब प्लस ing आफ्टर देम। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। अब यहाँ पे गोइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है लेकिन अगर हमने लिखना है ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस तो यहाँ पे हमने अफ्रेड के साथ टू का यूज किया तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। नेक्स्ट वन इज अ फ्यू नाउन्स टेक अ डेफिनेट वर्ब बिफोर देम दैट साउंड्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम डेफिनेट वर्ब यूज करते हैं क्योंकि वही उसके साथ सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल अगर लंच वर्ड है या फिर गुड टाइम या फिर ड्रीम तो उनके साथ हम हैव को एज अ डेफिनेट वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैव लंच, हैव अ ड्रीम, हैव अ गुड टाइम या फिर टेक एन एग्जाम,
यहाँ पे हमने टेक को डेफिनेट वर्ब की तरह यूज किया एन एग्जाम के साथ. सिमिलरली मेक अ डिमेंड, मेक अ नॉइज, मेक अ रिक्वेस्ट. द नेक्स्ट वन इज इफ अ वर्ब इज रिलेटेड टू आर फाइव सेंसेस. सो अपनी फाइव सेंसेस कौन सी होती हैं? सी, टच, हियर, स्मेल एट्सेट्रा. सो जब भी कोई भी वर्ब अपनी फाइव सेंसेस के साथ रिलेटेड होती हैं तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं इसके बाद, ना कि एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स ऑनेस्ट. अब जो लुक्स है यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है और लुक्स अपनी आईज के साथ रिलेटेड है. सो हमने साथ में इसके ऑनेस्ट वर्ड जो कि एडजेक्टिव है उसका यूज किया. द वर्ब्स ऑफ सेंसेशन आर लुक, सीम, साउंड, अपियर, स्मेल, टेस्ट, फील एट्सेट्रा. देर आर सर्टेन वर्ब्स दैट जनरली डू नॉट कम इन आई एन जी फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकोगनाइज, थिंक, नो, मीन, माइंड, लव, वॉन्ट, विश एट्सेट्रा. ये जो वर्ब्स हैं कभी भी आई एन जी फॉर्म के साथ नहीं आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार. आप कभी भी ये नहीं बोलते आई एम हैविंग अ कार. द नेक्स्ट वन इज कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होता. आई होप आपने प्रोनाउन की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है वो आपको समझाया था. सो वो वर्ब्स हैं कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट, हाइड एट्सेट्रा. अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की इन रूल्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. इस सेंटेंस में क्योंकि विद अ व्यू टू यूज हुआ है तो जहां पे भी विद अ व्यू टू वर्ड यूज होता है, विद अ व्यू टू फ्रेज यूज होती है, उसके साथ वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज होता है तो हेल्प की जगह पे यहाँ पे हेल्पिंग आएगा. द नेक्स्ट वन इज हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्दी. जब भी हैव या फिर गेट वर्ड आते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. सो सेंड की जगह पे सेंट यूज होना चाहिए और इसके बी पार्ट में एरर है. द नेक्स्ट वन इज ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर. थिंक के साथ कभी भी एज का यूज नहीं होता सो सी पोर्शन में एरर है. द नेक्स्ट वन इज द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल. यहाँ पे हमने लेट के साथ टू वर्ड का यूज नहीं करना, हमने सिर्फ लेट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. द नेक्स्ट वन इज ही डिनाइड टू हेल्प मी. जब भी डिनाई वर्ड आता है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करते हैं. So the correct form is he denied helping me. Next one is it time you decide on your next course of action? अब यहाँ पे is it time के बाद subject का use हुआ है तो decide की second form use होगी. So B part में error है. The next one is I am afraid I did a mistake in the calculation. Mistake के साथ हम made word का use करेंगे, did word का नहीं use करेंगे. हम मिस्टेक के साथ डू या डिड का नहीं यूज करते, मेक या फिर मेड का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन. सो ऑलरेडी यहाँ पे रिपीटेड वर्ड यूज हुआ है तो हम अगेन वर्ड नहीं यूज करेंगे. सी पार्ट में एरर है. द नेक्स्ट वन इज आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम. सो यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म की यूज कर रहे हैं तो हैव की जगह पे हैड का यूज होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सून एज पॉसिबल. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी गेट का यूज होगा साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो बी पार्ट में एरर है क्योंकि सेंड की जगह पे सेंट वर्ड का यूज होना चाहिए. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.